काजल ना पहले अब कभी भी तुझे इतना प्यार दूँ। तेरी खुशियों के खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वार दूँ। MYK News की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म है MYK News का। नाज़रीन इकराम, ये वो प्लेटफॉर्म है जो नए टैलेंट को उभार कर आपके सामने लेके आता है। पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म बहुत कम है जो जिद्दत को सामने लेके आए, लेकिन आप लाहौर से देखते हैं हमारे, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, इरम महमूद कोशिश करती है, इकरा आबिद कोशिश करती है कि वो सिंगर जो स्ट्रीम लाइन पे नहीं जा सकते उनको डिजिटल मीडिया सामने लेके आए। आज रावलपिंडी में मौजूद हूँ, जनाब पार्क का वेन्यू है और मेरे साथ हैं उस्मान शाह। इनका ताल्लुक है कराची से, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, हमने इनसे किया है रब्ता और चाहते हैं कि इनकी आवाज़ भी आपकी समातों तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब, कैसे हैं आप? मैं हमेशा की तरह खूबसूरत, दिलकश, दिल नशीन, सहरंगेज़, और आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, सुना है। अरे जज़ाकअल्लाह खैर, बस लोगों की मोहब्बत है ये सर। तो स्टार्ट करें फिर, पहले फिर इस बात बातें होती रहती। बिल्कुल बिल्कुल। है तमन्ना हमें उसको दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाई तेरे सदके होता है, तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफ़ा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सकूं, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। उस्मान, बहुत प्यारी आवाज़ है, माशाल्लाह आपने स्टार्ट में ही इतना ज़बरदस्त कर दिया है। उस्मान, ये शौक क्या गाना गाते हैं, सीखा है, थोड़ी सी अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानें? मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें माशाल्लाह से मेरी मम्मा मुझे बोलते आई हैं कि यू आर अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। तो ये सारी चीज़ें भी, गिटार हो, सिंगिंग हो, ये सब मुझे गॉड गिफ्टेड है, कभी किसी से सीखा नहीं, और ये पैशन है, उसको मैं आगे प्रोस्यू करना चाह रहा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे अच्छे तरीके से आप लोग के थ्रू, लोगों के थ्रू, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने आप को प्रमोट करूँ। तो उस बार अभी किसी स्ट्रीम लाइन पे आपने परफॉर्म किया, अपने टैलेंट को दिखाना चाहा? जी सर, जिस तरह आपने अभी आप इंटरव्यू लेने, इसी तरह सोच टीवी आए थे और एक और टीवी चैनल आए थे, डिजिटल मीडिया पे जी, डिजिटल मीडिया में ही मेरा वो हुआ है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला मौके मिलेंगे आप लोगों के थ्रू, तो इसी तरह इवेंट्स वगैरह भी मैं पकड़ लूँगा इंशाल्लाह। बातें जारी रहेंगी उस्मान के साथ। उस्मान, अभी आप क्या सुना रहे हैं? सर, मैं आपको अनुव जैन का बारिश सुना रहा हूँ। हौले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना, तुम नरम से सांसों में मुझको आहों में भर लो ना, तुम जरा मेरे पास अब बैठे हैं हम भी यहाँ, दिल के दरमियाँ बारिशें हैं, बारिशें हैं तेरी बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया, यहाँ दिल के दरमियाँ बारिशें हैं, बारिशें अब तो आती है बुलाती है, बिस्तर से यूं गिराती है, कैसों में बाहों में बस तेरी, हाँ जब बारिशें बरसती हैं पागल जैसे तिरकती हैं, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो,
जाते हैं तो और तू ही मेरे दिल की रसा है, तेरे बिना दिल बेखफा है तो तेरी आंखों का काजल ना पहले अब कभी भी तुझे इतना प्यार दूँ, तेरी खुशियों के खातिर ये दुनिया में मेरी एक पल में वार दूँ। अब बिखरी तेरी ये जुल्फों से आंखें तेरी जब देखती हैं, देखता है मुझे वो आसमान के खोलू पंख मैं मेरे उड़ जाऊं मैं को जाऊं मैं इस आसमान पतंगों की तरह। फैंटास्टिक फैबुलस हमारे साथ हैं उस्मान का ताल्लुक है कराची से। उस्मान अभी आप माशाल्लाह यंग हैं, किसको देखकर सोच होते हैं रोल मॉडल होते हैं कि आजकल नौजवान नस्ल की जो है ना एक वो आतिफ असलम को बहुत सुनते हैं, जो मेरी तरह दुखी होते हैं वो पुराने गाने भी सुनते हैं, राहत को भी सुनते हैं, तो कौन सा ऐसा सिंगर था जिसने मजबूर कर दिया कि यार मैंने बस इसको फॉलो करना है और मेरे नाम पैदा करना है? सर ऐसी अब की जनरेशन की बात करें तो आजकल बड़े यंग आर्टिस्ट आ रहे हैं और बहुत सारे डिजिटल में मतलब फेमस भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ तो अनुव जैन की, अनुव जैन में बहुत पसंद है जिसके मैंने अभी गाना भी मैंने आपके सामने पेश किया, और इसी तरह कैफ़ी भी है। कैफ़ी है यंग जितने भी आर्टिस्ट हैं वो मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि बिकॉज मैं भी जवान सा हूँ और इंशाल्लाह ताला उन्हीं के थ्रू और भी लाइक सिंगर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। आतिफ और ये तो लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स राइट, तो उनकी रिस्पेक्ट, पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन किया जी इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह ही उनको देखते देखते आर्टिस्ट आए, इसी तरह हम लोग को भी मौके मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं। अच्छा उस्मान, दिखने में ये भी है कि इंसान को जो आवाज़ में एक सोज होता है, दर्द होता है ना, वो या तो उसको गहरी चोट लगती है या फिर वो गॉड गिफ्टेड होता है। मैं किस पे फोकस रखूँ? सर गॉड गिफ्टेड में, गॉड गिफ्ट पे वो दिल की लगी वो ना करूं। सर दर्द तो हर किसी की ज़िंदगी में ही है। छोटी सी उम्र में इश्क कर लिया आपने, ऐसा ही समझ लें होता सबके साथ। अच्छा। ही है, ज़रूरी नहीं है कि मर्द से इश्क में ही टूटे, मोहब्बत तो हर चीज़ से हो जाती है। आजकल के नौजवानों को ना 10 कदम पे इश्क हो जाता है, वो वाला इश्क तो नहीं है? नहीं सर, वो बर्बादी कहलाती है। अच्छा वो बर्बादी है, वैसे इश्क भी फना का नाम ही है। तो अभी आप क्या सुना रहे हैं? आतिफ अगर मैं कहूँ जी आप आतिफ असलम सुना दें तो फिर सुनाएंगे आप? बिल्कुल सर, उनका मैं कच्ची डोरियों सुनाऊंगा आपको। क्या कहने? कच्ची डोरियों 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 मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों से हो देना फासले, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैक अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला, करांगे रोज रोज बैक सच्चिया मोहब्बत निभाके, नाज़रीन इकराम ये हैं आज हमारे साथ उस्मान। उस्मान ने अपनी आवाज़ का सहर आपके समातों तक पहुंचाया, आपको उनकी आवाज़ कैसे लगी अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। उस्मान अगर आपसे कोई मिलना चाहे रब्ता कायम करना चाहे तो किस तरह, आपका कोई सोशल पेज आईडी वगैरह? जी बिल्कुल सर, मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया, पब्लिक अकाउंट है जिसका नाम है उस्मान स्टूडियो ऑफिशियल, उस्मान स्टूडियो ऑफिशियल। प्लीज़ मुझे फॉलो अप करें, मेरे जो पोस्ट आ रहे हैं उन पर कमेंट करें, लाइक करें और इसी तरह मोहब्बत अपनी मेरे साथ रखें प्लीज़। बहुत शुक्रिया उस्मान, आज आप हमारे मेहमान थे। नाज़रीन इकराम, अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपके पास भी कोई फ़न है, कोई स्टोरी है तो दिए गए नंबर्स पे जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं रब्ता कायम कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ आवाम तक पहुँचाएँ। कैमरामैन साकिब के साथ वसीम हाशमी।
एम वाई के न्यूज़ रावलपिंडी।